सो सबसे पहले आप यहाँ पे इनकम प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर $482 से लेकर $7,700 तक यहाँ पे मंथली अर्न कर रहा है। यहाँ पर मैंने मंथली एस्टिमेट अर्निंग यहाँ पे खोला हुआ है, तो $782 से लेकर $7,700 तक यहाँ पे मंथली अर्न कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पोटेंशियल इस तरह के चैनल के ऊपर कितना ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। एंड अगर मैं इसका चार्ज छोड़ू यहाँ पे $7,700, यहाँ पर मैं सिर्फ $1,000 भी लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं $1,000 को यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर $83,000 के लगभग यहाँ पर आएगा, $83,000 यहाँ पे रुपीज यहाँ पे मंथली अर्न कर रहा है। एंड अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज में कितना रुपये यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे डॉलर इंटू रुपीज में सिंपली सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ $1,000 लेकर चलता हूँ, सिर्फ $1,000। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो $1,000, यहाँ पर आप देख सकते हो $1,000, $83,248 यहाँ पे मंथली अर्निंग कर रहा है। मंथली जो अर्निंग कर रफली यहाँ पे मैंने $1,000 मान के चला, तो $83,248 यहाँ पे मंथली अर्न कर रहा है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं हूँ विकेन। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कंटेंट आइडिया मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक ऐसा शानदार कंटेंट आइडिया जिसमें काम करने के लिए आपको अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही अच्छा सेटअप नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ अपना वॉइस देके आप बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है इस तरह के चैनल को बनाना, क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अभी तक कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो भाई कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी पेस्ट करना भूल जाओगे और बहुत ही शानदार चैनल आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ मैंने दिखा दिया, सच मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, और अगर आप इस तरह चैनल को बनाते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये वीडियो होने वाला है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सको। एंड गाइस, मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे हमें बहुत हिम्मत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए रेगुलर वीडियोस को बनाते रहने के लिए। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूट्यूब में यहाँ पे मैंने एक चैनल यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चैनल का नाम है जिसका नाम है वी इंस्पायर्ड, ठीक है। चैनल का क्या नाम है, वी इंस्पायर्ड। वीडियो कितना अपलोड किया है, 305 वीडियो अपलोड किया है इसने, और सब्सक्राइबर कितने हैं, 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब कि 1,650,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, 1,650,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 305 वीडियो अपलोड करके, सिर्फ और सिर्फ 305 वीडियो अपलोड करके 1,650,000 सब्सक्राइबर गेन कर लेना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग 3,000 वीडियो डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 305 वीडियो अपलोड किया है और यहाँ पर 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। बात करें कि ये महीने में अपलोड कितना करता है, कितना वीडियो महीने में, ये 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड करता है, या फिर 2 वीडियो देख सकते हो महीने में, ये 2 वीडियो अपलोड करता है, 2 वीडियो से ज़्यादा ये अपलोड नहीं करता है। तो यहाँ पे महीने में 2-3 वीडियो अपलोड करता है और 2-3 वीडियो यहाँ में अच्छा खासा यहाँ पे महीने में 80,000 प्लस यहाँ पे अर्न कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि महीने में सिर्फ 2-3 वीडियो अपलोड करके 80,000 रुपया अर्न कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्यूज़ देखो, पहले इसका जो व्यूज़ है यहाँ पे देखो, इसका जो व्यूज़ है कितना गया है, 1 महीने पहले 544,000 व्यूज़ चला गया है, सिर्फ 1 महीने 544,000 व्यूज़, 1 महीने में 112,000, 2 महीने में 214,000, 67,000, 120,000, 4 लाख, 7 लाख, 94,000, 218,000, 335,000, 6 लाख, 24,000, देख सकते हो व्यूज़ जो है वो भर भर के आ रहा है इस तरह के चैनल के ऊपर। भैया वीडियो है क्या, भाग्य को कोसने वाले इस कहानी को ज़रूर सुने। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, समझ सकते हो आप। एंड बात करें अगर हम इसके पॉपुलर की, अगर हम बात करें इसके पॉपुलर, देख सकते हो एक साल पहले इसने अपलोड किया था, 12 मिलियन व्यूज चला गया है, 12 मिलियन मतलब समझ रहे हो 1,20,00,000 व्यूज चला गया है, 1,20,00,000, देख सकते हो 11 मिलियन, 1,10,00,000, यहाँ पर देखते हो 9.1 मिलियन में व्यूज चला गया है, 91 लाख के करीब यहाँ पे व्यूज इसका चला गया है, 5.4 मिलियन, यहाँ पे 5.3 मिलियन, 4.6 मिलियन, 4.2 मिलियन, 4.2 मिलियन, 4.2 मिलियन, 4.1 मिलियन, मिलियन में ज़्यादातर इसका व्यूज़ गया है। एंड अगर मैं इसका वीडियो प्ले करके दिखाऊं कि इसकी वीडियो में है क्या, तो आप यहाँ पर देखो पहले, ठीक है, आप यहाँ पर इसका वीडियो देखो कि इसकी वीडियो में आखिर है क्या। अगर मैं इसका जो यहाँ पर मैं इसका स्किप कर देता हूँ ऐड को, और आप यहाँ पे वीडियो देखो, यहाँ वीडियो है क्या, रहने वाला एक नौजवान देख सकते हो,
पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में देख सकते हो, बार बार सोचने की आदत से परेशान था। देख सकते हो, अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में आप देख सकते हो दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने जस्ट यहाँ पे फोटो को यहाँ पे लगाया है और अपना बैकग्राउंड में वॉइस दे दिया है, बैकग्राउंड में अपना वॉइस दे दिया, कोई भी कहानी वीडियो यहाँ से उठाया है और अपने बैकग्राउंड में यहाँ पे आवाज़ दे दिया है, बोल दिया है, बैकग्राउंड में यहाँ पे कहानी वीडियो सुना दिया है लोगों को और यहाँ पे फोटो बस लगा दिया। देख सकते हो सिर्फ फोटो लगाया है और कुछ कुछ वीडियो भी लगाया है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो, देख सकते हो फोटो है, सिर्फ फोटो है, देख सकते हो फोटो है और इसने क्या किया है बैकग्राउंड में आवाज़ दे दिया है। इससे भी आसान कोई काम होता है क्या, इससे भी आसान कोई काम होता है कि आपको यहाँ पे फेस ही दिखाना है, आपको यहाँ पे कोई सेटअप नहीं चाहिए, अगर आपके पास एक माइक्रोफोन भी नहीं है तो भी आप, अगर आप मोबाइल फ़ोन है तो भी आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास माइक्रोफोन है या फिर नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आप बहुत ही आसानी से इस तरह के चैनल को बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इस तरह की वीडियो के ऊपर कितना व्यू दिया है। और बात करें हम इसके डिस्क्रिप्शन में, तो देखो भाई डिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने इसने यहाँ पे प्रोमो कोड भी दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे कुकू FM को रेफर करके यहाँ पे उससे भी पैसे कमा रहे हैं एंड वीडियो से भी पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन रहा है, ठीक है। एंड बात करें इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो, तो पहले उसका एक और वीडियो देख लो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देख सकते हो। एक साधु रहा करता था, ठीक है, वह जब भी नाश्ता था तभी बारिश होती थी, देख सकते हो, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत। मस्त मस्त यहाँ पे कहानी बोल रहा है और यहाँ पर जस्ट इसे फोटो लगा दिया है, देख सकते हो फोटो लगाएगा, फोटो देख सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो है और एक घंटे बीत, चार घंटे बीत गए, सिर्फ एक ही फोटो है, 11 मिलियन व्यूज चला गया है। इसने जस्ट क्या किया है, वॉइस ओवर किया है, कहानी बताया है, 11 मिलियन यहाँ पे व्यूज चला गया बहुत ही आसानी से। एंड बात करें इसका चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है, बात करें इसका चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है, हम वीडियो बना तो लें लेकिन क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, क्या प्रूफ है आपके पास कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो ही होगा, ठीक है, तो प्रूफ दिखाओ, प्रूफ देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर थैंक्स एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको सुपर थैंक्स ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सुपर थैंक्स ऑप्शन उसी को देखने को मिलता है, उसी वीडियो में देखने को मिलता है जिसका चैनल मोनेटाइज होता है, जिसका वीडियो मोनेटाइज होता है। तो आप यहाँ पर देखो सुपर थैंक्स मिल रहा है, मतलब इसका जो चैनल है वो 101% मोनेटाइज है, ठीक है। इससे भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बटन के बगल में ज्वाइन बटन देखने को मिल रहा है, एंड ज्वाइन बटन भी सारा उसी को मिलता है जिसका चैनल मोनेटाइज होता है, जिसका चैनल 100% मोनेटाइज होता है उसको ज्वाइन बटन मिलता है। कुछ दिनों बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको मेरे चैनल के ऊपर भी ज्वाइन बटन, मेरे चैनल के ऊपर भी सुपर थैंक्स बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 100% कंफर्मेशन हो गया कि इसका जो चैनल है वो 101% मोनेटाइज है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इसका जो चैनल है वो मोनेटाइज है या फिर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिला कर मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा। मैं आपको सिंपली यहाँ पे सिंपली इसका जो लिंक है चैनल का मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ, एक वेबसाइट है जहाँ से हम मोनेटाइजेशन चेक कर सकते हैं, इस दिस चैनल मोनेटाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं ये जो चैनल है वो मोनेटाइज है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड है उसको हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हो इस दिस चैनल मोनेटाइज, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे इसका जो लिंक पेस्ट करोगे आपको यहाँ पे चेक करके बता देगा कि इसका जो चैनल है वो मोनेटाइज है या फिर नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो द चैनल वी इंस्पायर्ड इज मोनेटाइज, देख सकते हो द चैनल वी इंस्पायर्ड इज मोनेटाइज, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो क्यों है, रीजन द चैनल हैज अ स्पॉन्सर बटन, ठीक है, चैनल हैज अ स्पॉन्सर बटन, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर हटाऊं, यहाँ पे देखो चैनल हैज अ स्पॉन्सर बटन और बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 इतना को यहाँ पे चैनल है वो यहाँ पे इतना मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया है, इतना मिलियन यहाँ पे व्यूज़ गेन किया है, तो आपको यहाँ पे A to Z यहाँ पे बता देगा। और यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ जो चैनल है वो मोनेटाइज है, तो अब आपको यहाँ पे 100% भरोसा हो गया होगा कि हाँ ये चैनल जो है वो मोनेटाइज है ना। अब बात करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो कैसे बना सकते हो, आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इसका लेटेस्ट दिखाता हूँ कि इसके लेटेस्ट वीडियो में क्या है, जैसे यहाँ पे ऐड भी चल रहा है, इसका चैनल वो मोनेटाइज है और आपको भी 100% डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसका चैनल 100% देख सकते हो। यहाँ पे जिंदगी से बहुत परेशान था, देख सकते हो हर समय अपने आप को, मेरे को नहीं लग रहा है कि इसने अपना वो आवाज है वो माइक्रोफोन का यूज करके यहाँ पे लिया है, इसने मेरे को लग रहा है कि इसने यहाँ पे मोबाइल के माइक्रोफोन से यहाँ पे इसका अपना आवाज यहाँ पे शूट किया है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो, देख सकते हो क्या जिंदगी मिली है मुझे,
क्या जी? देख सिर्फ अभी फोटो लगाया है और बीच बीच में कभी कभी यहाँ पे वीडियो भी लगा दिया है। देख सिर्फ अभी फोटो है, ठीक है, ये वीडियो है, ठीक है, एक एक दो वीडियो है यहाँ पे, बाकी के सारा का सारा यहाँ पे फोटो है, ठीक है। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इस तरह की वीडियो को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि इसके पास स्क्रिप्ट है, इसने यहाँ पे वीडियो स्क्रिप्ट लिया, वीडियो बना लिया, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए हमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो हम स्क्रिप्ट कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट यहाँ पे गूगल से ले लेंगे। बहुत ही शानदार शानदार कहानी होता है गूगल के ऊपर ऊपर, तो हम यहाँ पे गूगल से बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानी यहाँ पे हम ले लेते हैं। सिंपल यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी। सिंपल हम इतना सर्च कर लेते हैं मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मोटिवेशनल स्टोरी। 5 कहानियाँ जो आपको आपको अपने लक्ष्य तक जाने को मजबूर कर देगी। इस पर सिर्फ क्लिक कर दे, बहुत सारे आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पहले चुन लो कहानियाँ, तो बहुत ही शानदार कहानियाँ उसको यहाँ पे आपको सिंपली लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे 5 कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह देख सकते हो। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। देखो बहुत ही शानदार कहानी लग रहा है, सफलता का रहस्य, ठीक है। हम सिंपली करेंगे क्या कि हम यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सिंपली इस तरीके से हमें कॉपी कर लेना होगा। सिंपली हमने यहाँ पे एक कॉपी कर लिया। अभ्यास का महत्व, बहुत सारे आपको यहाँ पे कहानी मिल जाएंगे। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली करना है कि आपको नोटपैड में आना है। नोटपैड में आने के बाद आपको सिंपल इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कहानी को पेस्ट कर दिया है। ना इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना है क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वीडियो है फोटो है, इसको आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर आप अलग कहानी यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे कहानी देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो कहानी वो तो हमें मिल गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप कहानी ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे 10 मोटिवेशनल कहानियाँ हिंदी स्टोरीज, देख सकते हो बहुत सारे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया है, देख सकते हो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो इस तरह का अकेले लड़ने की ताकत, बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो 10 मोटिवेशनल कहानियाँ, बहुत सारे आपको इसी तरीके से थंबनेल भी बनाना है, इसी तरीके से आपको थंबनेल भी बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको थंबनेल बनाना है, वी इंस्पायर्ड जैसा आपको थंबनेल बनाना है। कैसे, आपको कोई भी एक रैंडम फोटो लेना, बहुत ही खतरनाक और कुछ यूनिक सा लिख देना होगा, ठीक है, कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गया थंबनेल, ठीक है। बहुत मैंने थंबनेल भी बता दिया आपको। इस तरीके से आपको लेना है, स्क्रिप्ट हमने ले लिया ना, इसके बाद हमें फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, वो हम कहाँ से लाएंगे ना, उसके बाद हम एडिट करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सिंपल आपको एक एप्लीकेशन दी होती है जिसका नाम है इमेज मैन सर्च, देख सकते हो यहाँ पर इमेज सर्च मैन, ठीक है। सिंपल हम इसको ओपन कर लेते हैं, आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। सिंपल इमेज सर्च मैन, जैसे ही आप सिंपली सर्च करोगे इमेज सर्च मैन, आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आकर सिंपली करता गया हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलोन मैन इमेज। सिंपल इतना करते हैं और बहुत सारे आपको देख सकते हो इस तरह का आपको देखने को मिल जाए। ये वाला आप सिंपली ले लेते हैं, सिंपली करना है कि आप डाउनलोड का ऑप्शन सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरह के डाउनलोड कंप्लीटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले को ले लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था, नदी के किनारे मिलने के लिए बोला था साधु जी ने। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नदी वाला कोई इमेज हम देख लेते हैं। यहाँ पर नदी का कोई इमेज है क्या भाई? यहाँ पर देख सकते हो नदी का इमेज है, यहाँ पे भी नदी का इमेज अच्छा लग रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो नदी का इमेज आ चुका है। तो भाई देख सकते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ फोटो ही बल्कि वीडियो भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं लेता हूँ वीडियो, यहाँ पे मैं वीडियो सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च कर देखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन से क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लाइसेंस देखने को मिल जाएंगे। तो लाइसेंस भी आपके क्रिएटिव कॉमन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो सारा का सारा कॉपीराइट फ्री आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आपको सर्च करना है ना, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इमेज को ले लेना होगा, ठीक है। इमेज आपने ले लिया ना, इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना होगा, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं एडिटिंग के प्रोसेस में। हमें एडिट कैसे करना है सारे चीज़ों को, सिंपल क्रिएट न्यू का सबसे पहले क्लिक करने हैं, क्रिएट का सर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन से क्लिक करके आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमने जो इमेज डाउनलोड किया था सिंपल हम उसको बारी बारी से हम ले लेते हैं। तो सिंपल हम इसको ले लेते हैं, इस तरह से हम ले लेते हैं, फिर हम इसको ले लेते हैं, फिर हम इसको ले लेते हैं, फिर हम इसको बारी बारी से हम इसको ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, तो देख सकते हैं ये वाला जो ब्लैक ब्लैक छोड़ दिया था, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और पैनल जूम के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करके हम इसको क्वालिटी के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेम में आ चुका है ना, हम बैक आ जाएंगे ना। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, पैनल जूम वाले ऑप्शन से पहले क्लिक करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अब ये भी फ्रेम में आ चुका है। तो देख सकते हो इस तरह से बैक आ जाना है ना, देख सकते हो ये भी अब फ्रेम में लाना है। तो पैन एंड जूम के ऑप्शन से सिंपली क्लिक करेंगे, इक्वल टू के ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक करना है और इसको भी आपको सिंपली बड़ा कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे ये बैक हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो बैक हो गए और यहाँ पर ये तो सही है ना। देख सकते हो इतना काम हो चुका है ना। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि अब हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। यस दोस्तों, अब हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे सिर्फ वॉइस वर्क करना है। यस दोस्तों, सिर्फ वॉइस वर्क करना है। आप अपने कॉपी में कोई भी यहाँ पे जो भी स्टोरी लिख रहे हो उसको लिख लो, या फिर आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे स्टोरी लिख लो, क्योंकि भाई बिना देखे आप स्टोरी थोड़ी बोलोगे, बिना देखे आप वॉइस ओवर थोड़ी करोगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना होगा और आप उसको देखते देखते आप इसमें वॉइस ओवर कर दो। वॉइस ओवर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दो लाइन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल इस पर आते हैं और यहाँ पर हमने जो यहाँ पे लिया था हमने कि एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा, ठीक है, एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा। सिंपल मैं रिकॉर्ड वाला ऑप्शन से क्लिक करता हूँ, अलाउ का ऑप्शन, व्हाइल यूजिंग द ऐप से क्लिक करते हैं और स्टार्ट का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने महान बाई मिस्टेक यहाँ पर गलती हो गई, तो हम यहाँ से फिर से रिकॉर्ड करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर से सुकरात, यहाँ पर फिर से मेरे गलती हो गया, यहाँ पर आपको देखते हुए करना है तब भी आपका सही होगा। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा सफलता का राज, सफल होने का राज क्या है। तो सुकरात ने उन्हें जवाब दिया कि सफलता का राज मैं आपको बताऊंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको नदी के किनारे आना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो पढ़ा हुआ मैंने अपने हिसाब से मैंने वक्त दिया। तो आपको इस तरीके से आपको काम करना है और यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको जितना चाहे उतना आप इमेज को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते आप प्ले करके दिखाता हूँ। एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा सफलता का राज, सफल होने का राज क्या है। सुकरात ने उन्हें जवाब दिया कि सफलता का राज मैं आपको बताऊंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको नदी के किनारे आना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना पूरा जो स्टोरी है वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा और लिखने के बाद आपको यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेना होगा। और ना वॉइस ओवर करने के बाद आपको सिंपल डाउनलोड करना है इसको और यहाँ पर आपको जाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपना नया चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया चैनल अगर आप बनाते हो तो वहाँ पर जो रीच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि 2024 आ चुका है, तो भाई आपको यहाँ पर 2024 में एक नया चैनल बनाना ही बनाना है। और अगर आपको नहीं पता कि नया चैनल कैसे बनाते हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मेरे चैनल के ऊपर जाकर देखने को मिल जाएगा कि नया चैनल यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर सीख सकते हो। मैंने अपने स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर हीरो तक बताया है, सब कुछ मैंने वहाँ बताया है कि आप कैसे नया चैनल बना सकते हो। एंड अगर नया चैनल पर अगर आप वीडियो बनाते हो, नया चैनल के ऊपर वीडियो डालते हो, तो वहाँ पर रीच बहुत ज़्यादा होता है और आपके सफल होने का जो जो
परसेंटेज होता है सफल होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका वायरल होने का वीडियो, ठीक है। आपका नया चैनल के ऊपर तो भाई एक ना एक वीडियो वायरल होता है, एक महीने के अंदर एक ना एक वीडियो आपका वायरल होगा, 101% आपका एक वीडियो वायरल होगा। एंड अगर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो भाई बहुत ज़्यादा वायरल होगा, मिलियन में भी जा सकता है। तो भाई नया चैनल के ऊपर भी आपको यहाँ पर काम करना है, नया चैनल के ऊपर भी आपको यहाँ पर वीडियो को डालना है, ठीक है। जब भी आप इस तरह की वीडियो बनाओ आप नए चैनल के ऊपर ही डालो। एंड अगर आप इस तरह की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो तो भाई आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही आसान बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर लेना, ठीक है। या फिर आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना नहीं आता है कॉपीराइट फ्री, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बताया हुआ है तो आप जाकर देख सकते हो, और मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया हुआ है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड करते हैं। या फिर आप जाकर टेलीग्राम मैंने ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, वहाँ से भी आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिख कर देना, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, आप मेरे और कह सकते हो जय हिंद जय भारत।